तो उस वक्त तो मेरे को बहुत ये वाली फीलिंग आई थी कि ना ये घर लेके गलती की हमने। टिफिन डाली मामा, जो मटन का पेस्ट सही नहीं है ना, तू उसको बोलेगा जो टेस्ट बच्चे दिखे। एंट्री हुई ना जिस ऐसे लाड़ कर रही पंजू, लाड़ कर रही, जल्दी आओ पंजू, बोल रही जल्दी आओ। गया अंदर, चल थोड़ा देर रिलैक्स कर फिर उठ के जाना, ट्यूशन का टाइम हो गया उसका। दर्द है ना कान में, सुनाई कम दे रहा है ना? हाँ कुछ नहीं, अच्छा कर देंगे अल्लाह पाक। भाई को मैंने उल्टी छोटी बानी, अच्छी लग रही उल्टी छोटी। चलो बाय, अल्लाह हाफिज। उल्टी छोटी हो तुमको नहीं पता ना उल्टी छोटी कैसी होती है। मीनू गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? चलो जो माई का चार चार पेपर है आज, माई के सर पे बहुत जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज़। बुखार लगे तो मुझे आ जाना टीचर के को बोल क्या, अगर ऐसे बुखार लग गया अचानक तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, गो बाय, अल्लाह हाफिज़। मीनू चलो बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई 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 आई, अच्छा तुझे खाना दो। मीनू देखे हमारी कैसा मांस में गद्दा में बैठती है, ये बहुत मतलब इसको ना बराबर पता है कि गर्मी में कहाँ बैठना है, ठंडी में कहाँ बैठना है, बारिश में कहाँ बैठना है। और आपके भैया इस वजह निकले गाड़ी पे, माही ट्यूशन, कान में दर्द है अभी भी उसके, यार तीसरा दिन है आज का ना, कान में बहुत दर्द है उसको, जा नहीं रहा है, मतलब पता नहीं क्या है। अच्छा कचरे की दवा थी ना वो डाला उसके कान में, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है कि कचरा वचरा बाहर आया, या मतलब होता ना कि अंदर से कुछ ऐसा अलग सा, आप लोगों को पता है ना कान में अगर आप मैल वगैरह भी होगा तो फिर वो थोड़ा दिखता भी है, दिख भी नहीं रहा है उसका कान में, वो ना क्लीन दिख रहा है, फिर पता नहीं क्या दर्द हो रहा है। अभी मैं आज सुबह में इसके अब्बा को वही बोल रही थी, उसको सुनाई नहीं दे रहा, मतलब कैसा हो रहा है ना उसको ना, मतलब दवा खाएगी ना तो सही लगता है और दवा नहीं खाएगी ना, मतलब जैसा टाइम हो गया तो सुनाई में कम दे रहा है। अभी मैं फैयाज को वही बोल रही थी, पता नहीं इसको अगर आराम नहीं होना तो मुझे इसको कूपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो आप कितना भी पैसा डाल लो, समझ रहे ना, यहाँ पैसे तो पता है आपको, फाइनली आराम होता नहीं है जल्दी, वो ज्यादा है ना तो फिर मैं सीधे कूपर ही लेके चले जाती हूँ। देखेंगे अल्लाह चाहेंगे तो जल्दी जल्दी शिफा हो जाए इसको, आज उसका लास्ट पेपर है, आज उसका चार पेपर है एक साथ में, क्योंकि कल छुट्टी थी ना स्कूल की, तो कल के भी दो पेपर लेने वाले हैं और आज के भी दो पेपर लेने वाले हैं। तो कल से ना मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि अम्मा चार पेपर है, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मेरे से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेरी काय को टेंशन देती है। मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, तू जितना भी करके आती ना मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ तेरे से। मैं तो देखो मेरा मेरे को कभी लाइफ में मैंने प्रेशर डाली कि मेरे को इतने मार्क्स चाहिए इतना चाहिए ना, मैंने माई को डाली क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे बच्चे बिना बोले कर लेते, तो मैं इनके पर प्रेशर क्यों डालूं। अब वो बीमार रह के भी इतना सोचती है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गई अभी ट्यूशन, आएगी तो फिर उसको दवा के लिए भेजना मेरे को। चले यहाँ पे करूंगी मैं ब्लॉग को स्टार्ट, आई एम रियली सॉरी, माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी भाई बहन की तरफ नहीं आए। तो चले आज का जुम्मा वाला ब्लॉग शुरू करते हैं, और कैसे हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझे बताना। आज ब्लॉग स्टार्ट कर देगा, देख प्यारा सा कमेंट पढ़ेंगे। ये बहन ने मुझे मैसेज किया कि आप मेरा कमेंट पढ़ोगे क्या, तो जरूर पढ़ूंगी मेरी बहन लोग, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। मैं आप लोग मुझे जो लोग मुझे बोलते कमेंट पढ़ो तो मैं पढ़ती हूँ, हाँ अगर कभी कोई मिस हो जाता है उसके लिए माजरत। उन्होंने मुझे लगा अस्सलाम वालेकुम मदीना जी, वालेकुम अस्सलाम जी, अच्छा मदीना जी, अच्छा जी शुक्रिया जी, आप लोग बहुत मेहनत करते हो और आपकी हर ब्लॉग सुपर से भी ऊपर होता है, भाई भी मस्त एक्टिंग करते हैं और माई अच्छा डांस करती है, कभी वक्त मिले तो मेरा ब्लॉग में कमेंट पढ़िए, और मेरी बेटियां बहुत लाइक करती है आप लोगों को, निगार और नुसरत, मेरी वाइफ भी, अच्छा राबिया कभी नाम लीजिएगा, अल्लाह आपको खुशी से नवाजे। अच्छा आपकी वाइफ का नाम है राबिया और बेटियों आपकी बेटियां मुझे बहुत लाइक करती है। अच्छा ये मेरे भाई है आईडी से पता नहीं चलता ना, ये मेरे भाई है और इनकी आईडी का नाम तो मैंने मेंशन कर दिया ना यहाँ पे, आप उन्हें देख लिए ना, जारा जारा हटके 74 आईडी का नाम मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, सबसे पहली बहन, सबसे पहले आपकी बहन को इतना मोटिवेट करके इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी वाइफ के लिए आपके बच्चों के लिए मेरे दिल से दुआ है, अल्लाह उनको खुश रखे, तमाम खुशियां उनकी झोली में भर दे, कोई दुख परेशानी आप तक भी नहीं आए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जो लोग मुझसे जुड़े ना अल्लाह उनको हमेशा खुश और आबाद रखना।
तो बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से आपको, आपकी वाइफ को, राबिया सिस्टर को भी मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार। ठीक है, चले कमेंट तो पढ़ती हूँ, मैं भूलती हूँ, भूल जाती हूँ कभी कभी, भूल कर लेती हूँ, चलो जाती हूँ। पचर पचर बहुत करती हूँ, नुमेर से मंगाई हूँ मैदे का आटा, जा रही हूँ मैं, क्या बनाऊंगी। ब्लॉग को पूरा देखे तो पता चलेगा क्या किया आज, वो भी पता चलेगा, तो स्किप, नो स्किप, थैंक यू, बाय। अल्लाह है नहीं मेरे पास में, खत्म हो गया अभी, मेरे को ये एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ माँ? ए माँ क्या हुआ, बुखार आ रही है? ये दवा लेके आके खाती के खा के फिर दवा लाने जाती। छोले अभी फटाफट फ्राई करके दे रही हूँ, वो कल का सालन है और वो पूरी तल रही हूँ। माही बोल रही मैं पहले लेके आती दवा उसके बाद खाती। बोलना नुमेर कान में दर्द हो रही है, बोलना डॉक्टर को, और बुखार चढ़ रही है उसको, बोलना दवा दे दो, बोलना एक टाइम की और। हाँ और कफ हो गया अंदर, कफ है ना तेरे को? हाँ कफ है, बुखार है। क्या छतरी लेके जा, भूख धोखा हो गया तो फिर बुखार भीग के आएंगे दोनों। बारिश का बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ भूल के आ गई ट्यूशन में, दूसरी ले रहे, छोड़ दे नुमेर खोल लेगा, खोल के देख नुमेर। चलो पराठे बना दूं, आए दवा। वालेकुम सलाम, क्या बेटा दी एक खुराक? क्या बोले, चेक करे कान को, बुखार है बोल रही तू? बोले बट बोले क्या, उसको शायद खून की कमी है, बुखार है इसलिए बोल रहे, 95 वो दिखा रहे। अभी नहीं है ना, चढ़ती है ना, तू बोला नहीं क्या चढ़ती है बुखार? बोले बेटा तो इसमें बुखार की दवा नहीं है, है ना? हाँ बस, तो भी क्या बोले, खून की कमी बोल रहे, आयरन की दवा चालू करेगा। तो बोले इसके ये कमजोरी है, थोड़ा खून की कमी है इसको। अच्छा चलो ये भी खा लें और कल फिर पापा के साथ जाना। हाँ एक बात बताओ, कल बुलाए? हाँ अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने बोल मुझे तू गोली खा गई ये पाउडर। हाँ तो डायरेक्ट गोली बोल रही, मैंने बोला पाउडर पीस लेना, वो डायरेक्ट पानी में डाल के पीना है। जब हम पाउडर ही खाते हैं ना बेटा तो पाउडर ही बोल देने का, वो मगजमारी होती है ना, अपने को करना पड़ता है, वो लोग क्या खुटके दे देते हैं। गोली इसमें डालेगा, 2 मिनट लगेगा भीगने के लिए, ऐसे पाउडर नहीं ले सकते। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं मसला, मैं कर लूंगी, चलो ठीक है कोई नहीं, चलो इधर मामा के पास। अच्छा हुआ ये कल का सालन बचा हुआ है, ले मेरा बच्चा, ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई खुश हो गई। आ जा बेटा बिस्मिल्लाह, हवा निकले गया देख कितनी भाप। अंडा चाहिए ना मेरे देखो? ना ठीक है, अंडा चावल में लगा के खा लेना, चलो बैठ जाओ। ठीक है माई को आज यही खाना था, पूरी खाना था, है ना? अच्छा नहीं लग रहा बना था ये सब में, क्या अच्छा किसको रेडी करते हैं? बिस्मिल्लाह तो बड़ा निवारा कौन डाल रहा है, अच्छा क्यों है? बिस्मिल्लाह ठीक है ना? अल्लाह मेरे बच्चे को जल्दी शिफा दे दे। थोड़ा शक्कर इसके मुंह में डाल दूँ, बहुत कड़वी दवा है ना, बुक्का करके पीती है ना वो। बुक्का करके पीती है। चल तैयार हो जाएंगे। हाँ चालू है माही, माही स्कूल का मैसेज देख रही है, आज भी छुट्टी मिल गई तो माही को अच्छा रहेगा ना? नहीं अच्छा रहेगा क्यों? 4 पेपर है ना, तो अच्छा है ना मंडे को ले लेंगे, तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अरे बाप रे बाप रे बाबा देखा। चलो माई को मैंने एक पूरी डाल दी और यहाँ पे थोड़ा सा सालन। ले माँ अरे नीचे का तो बदली कर। हाँ अरे ये 20 रुपया चाहिए ना, देखो क्राफ्ट पेपर लेने का है, ठीक है याद से ले लेना, लेकिन भूल के नहीं जाना, देख बारिश हो रही है। अल्लाह अभी क्या करेंगे, छतरी तो नहीं है, लाई तूने ट्यूशन से छतरी? अरे अल्लाह बारिश हो रही है, रेनकोट पहन ले तू। आज थोड़ी इतनी बारिश है, कल जितनी थी। सुबह से कहाँ बारिश आई, आज अभी आई है अभी। इधर दुआ पापा के, मम्मा को पाल दे। टिफिन डाली मम्मा?
माई अगर लगेगा ना ऐसा तो बोल देना, टीचर को छोड़ देना। खाली वो दो पेपर जो है ना, कौन सा वाला है स्टार्टिंग में, साइंस हिंदी भी हो गया ना, अगर अगर लगेगा तो आ जाना, क्राफ्ट और ड्राइंग बाद में भी ले लेंगे लोग। ठीक है, अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह मेरी बच्ची को सेहत दे, तमाम परेशानियाँ दूर करे उसकी। ऑल द बेस्ट। हमारा रुमाल है ना तुम्हारे पास मुँह पे पोंछने? हाँ चलो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा तू खा ले चल। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। जल्दी चले गए थे। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। चावल चढ़ा के यूँ खाना खाने जा रही हूँ बस, आपके फैयाज पर जाना गया नमाज भी। नमाज के बाद में मेरे मियाँ एकदम से मुझे सामने दिख गए। हाय 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 हाय, नमाज के बाद में एकदम से दिख गए, क्या हंसी आती है इनके चेहरे में। इनको जरा खाली इनके जरा थोड़ी से झाड़ पे चढ़ा दो ना तो बड़े खुश हो जाते। हाँ बज्जू क्या बोलते हैं, मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा। वो कौन सा एडिट था रूप है, वो शॉर्ट्स था ना। चलो जाते हैं जरा खाना वाना खाते, जरा जाना है काम से, इसके लिए आपके फैयाज बजाना जाने, तो इतने टाइम पे तो आते ही नहीं। हाँ रात में आते हैं 9 बजे 9:30 बजे, बट इतने टाइम पे सरप्राइज मिलना मुश्किल है। अभी हो रहे कुछ 3:30 हो रहे 3:30, और बस वही मैं बोल रही कि नमाज पढ़ी, चावल चढ़ाई और थोड़ा बहुत काम निपटाई, और फिर उसके आपके पास जाना है। तो अभी जो है ना हम लोग को जाना है कुछ काम से, इसके लिए उनको मैं बुला ली थी कि तुम जल्दी जाओ और नमाज के बाद तक ही दोपहर तक ही तुम आ जाना। चलो कहाँ जाने वाली हूँ पता नहीं, चले साथ में चले आप लोग। वीडियो को स्किप नहीं करना मेरे बहन लोग भाई लोग, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये तेरी चाय, खाना हो गया उनका, भैया जा रहे हैं, चलो जाते आ जाओ। हाँ अल्लाह हाफिज़, संभाल के चलाऊँ। सामने ट्यूशन नहीं है ना बच्ची की? नहीं अभी दो पेपर पेपर खत्म हो गए ना, दो बार की ट्यूशन खत्म हो गई। हाँ नहीं भी जा रही कहीं भी। चलो मैं बना रही हूँ चिकन का पुलाव फटाफट से, माही आएगी ना गरम गरम खाएगी। बिस्मिल्लाह, ये हो गया टमाटर मिर्ची, ये हो गए मेरे स्पाइसेस, ये मैं चिकन का पुलाव बना रही हूँ रेड वाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरा मसाले वाला है, काफ़ी है। चावल में ज़्यादा नहीं चढ़ा रही हूँ, मतलब 1.5 गिलास ही चढ़ाऊँ बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कुकर में बना रही आज मैं। क्या गर्म हो रहा है, बारिश हो के भी बस मसाला भून रहा है मेरा, उसमें चिकन डालूँ चावल डालूँ जब तक कि फिर माई आएगी गरम गरम खाना खा लेगी। आज उसकी बहुत मेरे को खाना भी बना रही थी ना उसे, मेरा दिमाग उसके ऊपर ही, आज उसकी तबीयत सही नहीं है ना, और आज मेरे को पता है क्या बोल रही थी, मम्मा मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। मैंने क्यों बोले, मम्मा चार चार पेपर है और मेरी तबीयत भी ख़राब है और पता नहीं मेरे से होगा क्यों नहीं होगा, मतलब उसको ना अंदर से वीकनेस लग रही है ना, तो वो बोल रही थी पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मैं उसको दुआ दे के भेजी, मैंने बेटा कर लेगी तू टेंशन मत ले। वैसे तो मैं उसको बोली मैं कभी तेरा टेंशन लेती भी नहीं हूँ, जो तू करिए वही ठीक है। तो चले थोड़ा सा मेरा आधा काम बाकी है वो कर लेती हूँ। हो गया नाश्ता क्या भाई? हाँ नाश्ता खाना बन रहा है। हेलो गाइस, आप सब खाना बन रहा है, गरम गरम खाना खा लेना दोनों मिलकर। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता खाने नहीं नहीं, नहीं ये देखिए सुन लो ये लोग ना ऐसी है, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता खाने के टाइम पे खाना। वाह रे वाह, घर में खाना बन रहा है गरम गरम मस्त पुलाव तो भी लोग ऐसा नाटक है। चल मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम मेरा बाकी, माई को लेने चले जाना। बिस्मिल्लाह आ जाएगी मैडम गरम गरम खा लेगी। इन्हें क्या सबके साथ में एंट्री लेती बराबर से, इसका एंट्री लेना जरूरी है, पेट भरा इसका, खाई ना उसने, इसके लिए आवाज नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह मेरा क्या हो गया, फिर से मुंह भूख के आया, क्या हो गया? पेपर ले लिया टीचर ने, कलर भी नहीं करने दिए, स्केच भी नहीं दिए करने। क्यों तेरा खाली वो ड्राइंग करते हुए टाइम हो गया था, पेंसिल से कर रही थी, स्केच चल रहा था उतने में ले लिए। हाँ आधा ही हुआ, पूरा कंप्लीट करने भी नहीं दिए, तो लेट हो गया मतलब तुमको। तो तुम वही बना रहे थे रब कर करके बना रहे थे सही से सब शेप में, मैंने बना दी थी तो स्केच भी स्केच कर रही थी, तो टाइम तो दिए थे ना, फिर फ्लावर फ्लावर को स्केच करना था हाँ, और वो लीफ्स को करना था और कलर हाँ थोड़ा से बाकी था हाँ। चलो ठीक है कोई नहीं, मैं इसलिए तुमको बोली थी कि ना ज्यादा टाइम नहीं लगाना, रपा रप मार देना तुम कैसे भी। चलो ठीक है कोई नहीं, स्माइल दो, बाकी पेपर अच्छा गया। क्राफ्ट का भी लेनी है। क्यों लोग ने कितना टाइम दिए थे? सिर्फ 1 घंटा ही तो था।
तो एक घंटे में तुम्हारा नहीं हो रहा था बेटा, मैंने घर पे तुमको दी थी ना प्रैक्टिस करने। अच्छा लिखने का, लिखने वाला जो है राइटिंग क्या लड़की लोग का रहता है ना, क्या रहता लड़की लोग का, ड्राइंग बनाएगी तो उसको इतना प्यार से बनाएगी, इतना प्यार से खूबसूरत निकल जाएगा, खूबसूरत दिखना चाहिए ना, है ना मम्मा। एक घंटे इन्होंने ड्राइंग बना ली और एक घंटे का टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था बेटा, वो तो अच्छे से बनाती है ना, फिनिशिंग में बनाने के लिए टाइम लगता है। हमसे कुछ सीखो, कुछ भी फटाफट बना के, अरे माँ ऐसा आठ मार्क्स भी, कीड़े मकोड़े नहीं बना के छोड़ने का है, मार्क्स तो आता है, इन्हें अच्छा बनाने के बाद भी कम ला लेंगे, दे दिए मार्क्स जगह पे, तो दस मार्क्स का है ना, पांच तो आएगा ना, चलो ठीक है। और बाकी जो राइटिंग वाला कौन सा था, स्पीड बढ़ा, ये बोर्ड एग्जाम, ये अच्छा गया है, स्माइल आई, बोर्ड एग्जाम मैंने बिचरा पांचवी का, तेरे से 10 मिनट पहले पेपर ले गया अभी, हाँ तो ये नहीं चलेगा इसका, चलो हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, मुंह नहीं फुगाना, ऐसा करूंगी क्या, हाँ एक पेज पे बना के लेके जाऊंगी, उधर चिपका लूंगी वही पेज और दे डालूंगी, जब ऐसा करना पड़ेगा। चलो ठीक है, चेंज करो, मम्मा पुलाव बनाए, चलो जल्दी तो गरम गरम बनाइए, दोनों भी मिलके खा लो, मेरे का नाश्ता कैंसिल, पुलाव याद रखोगा, रात को भी तो ऐसे ही करता है, खाना खाने के टाइम दूध पीता है ना, चलो चलो अब चलो, ये दोनों को, नुमेर को और माही को खाना खिला देती हूँ गरम गरम। अच्छा अच्छा लगा ना, रेड रेड कलर है ना, चलो आप लोग भी आओ खाना खाने, शाम के टाइम अच्छा लग रहा है, क्या ये ऐसा लग रहा है ना, रेड कलर हो गया ना एकदम से, बोलता रेड कलर बना दिए, रेड कलर है ये, रेड है हाँ, तो ये रेड है हाँ, तो रेड नहीं तो कौन सा है वो, मतलब ऑरेंज है बाबा, चल ठीक है ऑरेंज है, कलर से क्या लेना दर है, तुम लोगों को टेस्ट देखो ना कितना गजब का बना हुआ है। घर में ना 100 बार खाना बनाएंगे, 100 बार इसका टेस्ट चेंज होगा। सही में नुमेर, तेरी शादी करेंगे ना, सच्ची याद रखना, तेरी बीवी इतना थक जाएगी ना तेरे को खाना बना बना के, तू उसको बोलेगा जो टेस्ट उस वक्त आया था ना मुझे वही टेस्ट चाहिए, वो जिंदाबाद मैकडोनल्ड, हाँ मैकडोनल्ड, हाँ हाँ ये खिलाना तू, हाँ सही बात है, देख सुन ले, माँ से किचन में बिठा के खाना बनाएंगे और जब बीवी आएंगे ना उनको KFC में लेके जाएंगे, देख लो ये दुनिया है, अभी नहीं है वही ना, हमारे टाइम में माँ के टाइम में नहीं है, जब ये करके लाएंगे ना उनके टाइम पे आ जाएगा पैसा, खा लो बेटा खा लो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो आ जाओ बिस्मिल्लाह करो, अस्सलाम वालेकुम, आप तुम्हारे एंट्री हुई ना जिससे मेरे कोई खुश होने का, मेरी मीनू खुश हो गई, फाइनली मीनू की मच्छी आ गई, जान में जान आ गई, अल्लाह लाड़ कर रही फजू, ऐसे लाड़ कर रही फजू, लाड़ कर रही, जल्दी आओ फजू, बोल रही जल्दी आओ मेरे को तपेली में, हाँ जल्दी चलो मेरे को निकाल के दो, जल्दी 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 बेटा, हाँ बेटा हाँ जल्दी, दिया मीनू की मच्छी आ गई, कौन सी मिली, अल्लाह मिली मांदेली, अल्लाह मांदेली मिली रे मेरे बच्चे की, मगर कितनी कितनी सी है देखो, लेकिन जान दो चलेगा, 50 रुपए की, अल्लाह कितनी बारीक है यार, हाँ तो वैसी वाटे थे ना, देखो कितने छोटे छोटे से, वैसी वाटे थे, चलेगा 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 चलेगा, छोटी भी चलेगा, वो बिल्ली लोग की छलकता रुक रही नहीं है वो, चलेगा ना छोटी छोटी तो भी चलेगा, मच्छी तो मिली छोटी तो भी चलेगा, मच्छी नहीं मिल रही बारिश के टाइम पे मालूम, मच्छी का इतना दिमाग खराब हो गया ना मेरा, बच्चा परेशान हो गई मेरी मीनू, है ना माँ, खा ले जमीन गंदी होगी तेरे, फैयाज भाई पहुँचेंगे, चले आपके फैयाज भाई आज फिर जल्दी आ गए, जल्दी नहीं आए फिर भी थोड़ा सा लेट आए, अच्छा आज ही ना ये दिन की 2 राउंड हुई है, दोपहर में भी आए थे, तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को कि दोपहर में क्यों आए थे, अभी बताती हूँ, एक्चुअली हम लोग है ना रूम देख रहे, एक्चुअली हम लोग का यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट बार बताई थी ना, अगले महीने जो है ना हम लोग का अग्रीमेंट खत्म हो रहा है, और मेरे को अभी ये रूम जो है ना वो खाली करने का, प्रॉब्लम कुछ नहीं है रूम में, रूम एकदम फर्स्ट क्लास है, प्रॉब्लम हमारी हो रही है, मेन आपकी मदीनाबाजी की हो रही है, क्योंकि मुझे रूम मेरे हिसाब से चाहिए, यहाँ पे जब भी क्या ना समझ लो कि कॉम्प्रोमाइज़ करके ये रूम ली थी, मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, पसंद की बात भी नहीं बोलूँगी, देखो रूम की बुराई नहीं करूँगी, रूम बहुत अच्छा है, मतलब मेरे टाइप का रूम नहीं था, ऊपर नीचे था, तो उस टाइम ऑप्शन नहीं था, टाइम नहीं था, खाली करना ही था, तो ले लिया था उस वक्त कि चलो टाइम निकाल लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा से ऊपर नीचे नहीं जम रहा हम लोग को, मतलब 100 बार मेरे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, 100 बार दिन में तो इतनी ऊपर नीचे होती है ना, तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, और घर छोटा भी बहुत ज़्यादा ही है आपने देखे, तो अभी हम लोग जो है ना नीचे का रूम देख रहे हैं, डबल रूम चाहिए हम लोग को,
ऊपर सीढ़ी का नहीं चाहिए, डबल रूम चाहिए। भले रूम की कंडीशन इतनी कुछ खास अच्छी भी नहीं रहेगी ना तो भी चलेगा, है ना फज्जू? टाइल्स वगैरह नहीं भी रहेंगे तो भी एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं कि एकदम कंडीशन वाला ठीक है ओके भी रहेगा तो भी चल जाएगा, बट नीचे का ही चाहिए। तो अभी हम लोग देख रहे, दोपहर में ही आए थे, इसीलिए आए थे, ब्रोकर ने कॉल किया था तो आए थे, बट फिर वो ओनर थे नहीं तो ये चले, और अभी ये फिर जल्दी आए, बट अभी फिर कैंसिल हो गया। फोन करे तो वो ओनर जरा बाहर गए, वो अभी तक आए नहीं है, शायद वो थोड़ा लेट नाइट आएंगे। तो फिर मैं बोली चलो इतनी रात को जाके कोई मतलब नहीं है, ये मेरे को बोले तैयार हो जा, मैं बैठी हूँ कि आएंगे तो जाएंगे, तो कॉल किए तो वो बोले थोड़ा से लेट हो जाएगा। तो मैं बोली फिर उनको मना कर दो, देखेंगे कल परसों देखेंगे, अभी दो जरा ब्रोकर लोग को कॉल करूँगी, थोड़ा से कुछ है तो रूम अच्छे जरा बताओ जरा हमारे टाइप के, ऐसा मतलब मेरे को इतना आप लोग को तो मालूम है, आप लोग को मैं क्या बताऊँ, आप लोग को सबको पता है कि आपकी मदीना बहन को रूम कैसा चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा अड़चन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो देखेंगे बाकी, देखें मालवनी में तो माशाल्लाह मुझे लोग बहुत ज़्यादा जानते, तो अगर आप लोग के पास में कोई सजेशन होगा रूम के बारे में तो कहाँ आप लोगों को कॉन्टेक्ट करना है मुझे पता है ना, आप लोग को पता है ना, इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो कि मदीना आप हमारी नज़र में कोई रूम है आपके लायक का, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, तो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे बात करेंगे, वन टू वन बात हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, अगर आईडी, अगर इंस्टाग्राम की आईडी बनाई तो बना लो ना मेरी बहन, आपकी बहन के लिए तो इतना कर ही सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे अगर कोई रूम होगा आपकी नज़र में, हैवी पे भी होगा तो बताओ, तो हम लोग उनसे रेंट की बातें करेंगे, क्योंकि हैवी वाले भी कभी कभी रेंट पे दे देते, तो हम लोग उनसे वो बात कर लेंगे। लेकिन आपकी नज़र में जो भी हैवी है रेंट है आपके पास जो भी है, आप लोग मुझे एटलीस्ट बता देना, वो बात मैं कर लूँगी, अगर वो सामने वाला अग्री हो जाएगा तो, अगर हमारी बन जाएगी तो ठीक है। तो जरा इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करे, कोई रूम है तो मेरे को बताए, सिर्फ सिंगल रूम चाहिए, भले बेडरूम नहीं भी तो चलेगा, फुल रूम मतलब ऐसा सिंगल नहीं चाहिए जैसे इतना है ना, मतलब डबल समझ रहे ना आप लोग, मतलब सलंग चाहिए, भले बेडरूम नहीं चाहिए मेरे को चलेगा, सिर्फ सिंगल भी होगा ना तो वो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को कैसा ना, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे हम लोग की फैमिली जो है ना नजर के सामने हो, मतलब अभी कैसा हो गया ना ऊपर नीचे हो गए, मैं ना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे को पता भी नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं ऊपर बोल के, तो थोड़ी सी ना बहुत ऐसा हो गया, मतलब क्या हो गया फज्जू, अलग अलग हो गया ना फज्जू, हाँ यहाँ तू अलग होते हम लोग जवानी में, अलग जवान है क्या हम लोग, अभी है ना जवान, तुम बुढ़े हो गए मैं तो जवान हूँ, सब लोग बुढ़ापे में अलग होते हम लोग जवानी में अलग हो गए, मतलब मेरे को कैसा है ना मेरा ऐसा दिल है ना कि हम लोग सब साथ में रहे, सामने बच्चे दिखे, हाँ मेरे बच्चे ऊपर रहते हैं बीमार भी, सब सो जाए तो कितना अच्छा लगता है, नहीं यार परिवार बच्चे हमारे साथ में। अब कैसा होता है ना कभी ये लोग बीमार होते हैं ना, जैसे नुमेर बीमार हो गया तो आपके फयाज भजन तो उसको देखेंगे नहीं क्योंकि इसको क्या ठीक है, तो अपना गाड़ी पे आए तो एकदम थके मारे होते सो जाते, बीच में भी मैं बीमार हो गया था, मतलब मुझे फिक्र लगी रहती कि उसको बुखार तो नहीं चढ़ी, अब मैं जाके ऊपर देख तो नहीं सकती ना, कम से कम साथ में रहेंगे तो कम से कम मेरे बच्चे को जाके देख सकती कि बच्चा मेरे बीमार है, मैं भी बीमार है ना, कभी ये भी बीमार हो जाते हैं, इनको भी कोई देखने वाला, हम लोग अभी बीच में कितने बीमार हो गए थे आप लोग को पता है ना, रमजान के पहले रोजे के दिन तो कैसा हो गया था ना, ऊपर दो पड़े हैं नीचे दो पड़े हैं, एक दूसरे को कोई पूछ नहीं पा रहा है, बीमार पड़े हैं, तो बहुत ज्यादा उस वक्त मेरे को बहुत ये वाली फीलिंग आई थी कि ना इधर लेके गलती की हमने, मेरे को तो कोरोना का याद आ गया था, कैसे कैसे पड़े हुए थे ना, अल्लाह ना करे, बताओ बताओ बताओ, ऐसा याद आ गया था, अल्लाह ना करे, तो ऐसा हो गया था ना एक दूसरे की केयरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ही होता है ना मेन इशू कि मैं जा नहीं पाती हूँ ना, तो फिर मेरा बच्चा क्या कर रहा है, फयाज ऊपर बीमार है, नुमेल बीमार है, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ, ऐसा होता है ना इंसान बीमार है अपन जाके दवा दिए उसको, दो खाने को दिया, अभी लोग को बुलाना पड़ता है, लोग बुखार में ऊँ करके नीचे उतरते फिर ऊपर जाते, तो बहुत मसले मसाइल बहुत हो गया है, तो मेरे को ऐसा है ना कि एकदम सलंग रूम हो, तो क्या नाम है, मेरे बच्चे सामने रहे, मेरे हस्बैंड सामने हैं, साथी में रहे, अभी अम्मी भी आते हैं ना तो कैसा ना उनको चलने भी नहीं होता है, तो वो भी बेचारे हैं नीचे ही बैठे 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 चले जाते हैं, जब काम हो जाए तो एक साथ सामने बैठे हो, टीवी देख लो थोड़ा एक दूसरे के साथ में, और ब्लॉग भी नहीं बनता है, हाँ और ब्लॉग भी नहीं बनता है, ब्लॉग इतना ही देती हूँ मैं आपको, यहाँ से शुरू करती हूँ बस यहाँ पे खत्म कर देती हूँ, बस ऊपर का मैं आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं पाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा रूम चाहिए ना सब कुछ, ताकि ब्लॉग भी अच्छे से शूट हो जाए, मतलब ऑल टुगेदर, तो बस कोई रूम है मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मीनू को आज खाना मिल गया तो फयाज प्लाड़ आ गया उसको, सच में यार मच्छी नहीं मिल रही थी ना, होता है मेरे को भी पता है इसको, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि मच्छी मिल ही नहीं रही है, क्या करूँ मैं, हम लोग चिकन है ना कड़ी पीस वगैरह ला के खिला रहे थे, और वो क्या प्योर पैट तो भी मैंने उनको मनाई कर दी, वो ड्रोल्स है ना फज्जू, हाँ वो ड्रोल्स के छोटे पैकेट मिल रही है, अभी बड़ी पैकेट भी उनको बोली हूँ लाएंगे तो अच्छी बात है, तो अभी हम लोग इसको वो खिला रहे, बाकी चले ये ब्लॉग था आज का, और माही हो गई।
सो गई, अल्लाह सो गई मेरी बच्ची, थक गई, चार देखो सो भी गई, मुझे पता भी नहीं चला, मेरे बगैर सोने लगी है मालूम क्या, दोपहर में भी, मतलब पहले वो रूम पे थे ना तो दोपहर में साथ में सोती थी मेरे, मतलब मैं लेट भी जाऊँ ना काम करते करते तो सो जाएगी मेरे को चिपक के, फिर मैं क्या करती थी थोड़ा सा उससे हटके अपना वीडियो एडिट करती थी स्लो आवाज में। अभी कैसा होता है ना, नीचे तो सोई जैसा है ही नहीं, फिर ये पूरा खोलो पूरा घर भर जाता है, तो ये क्या करती है दोपहर में भी, मैं उसको बोलती जान ऊपर जाके सो जा, तो बोलती है मम्मा मिस करती हूँ मैं आपको, मेरे साथ में नहीं होना आप, रात में ही आते हो ना, तो कैसा ना सैटरडे संडे दोपहर में छुट्टी होती है तो वो हमेशा सोती है, सैटरडे संडे को दोपहर को सोती है, लेकिन यहाँ आई है ना जब से वो सैटरडे संडे को ना सोती भी नहीं, यहाँ ऊपर लग गई अचानक नींद, तो वो बात अलग है कि नींद लग गई उसको, वैसे तो उसको जल्दी मेरे बगैर नींद नहीं आती है, छोटी है अभी इसको मम्मी चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू हो रहा है, तो देखेंगे इंशाल्लाह, देखिए मेरे नसीब में जो रहेगा वो मेरे को मिलेगा। बाकी ये रूम एक ही बात बोलूंगी, जिस जो भी लेगा ना ये रूम बहुत लक्की होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, माशाल्लाह इतना पानी है ना कि आप खुश हो जाओगे। अभी माता आपको मालूम है मैं बहुत जगह पानी नहीं है, है ना फज्जू, किधर पानी आ रहा है, किधर आ रहा है, किधर पे नहीं आ रहा है, लेकिन ये रूम में मैंने अभी आपने देखा भी होगा, मैंने बोला ही नहीं कि पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी माशाल्लाह इतना पानी है और रूम भी इतना मस्त है, फुल अच्छा बना हुआ न्यू रूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक नॉर्मल औरत के लिए ना, नॉर्मल लेडी मेरे को मत बोलो यार, नॉर्मल के लिए एकदम मस्त है। चलो व्लॉग एंड करेंगे, बस कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में हम सबको याद रखना, अल्लाह हाफिज़।